खरगोन जिले के कसरावद रोड साइट में 10 बीघा की खेती पर पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे 67 वर्षीय किसान रमेश चंद्र महाजन अपने खेत पर किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हैं। जैविक खेती को लेकर किसान रमेश चंद्र महाजन का उत्साह देखते ही बनता है। वो हर किसी को जैविक खेती के बारे में जागृत करते हैं। उनके खेत पर जाने वाले आगंतुकों को अपनी खेत में लगी फसलें दिखाते हैं, साथ ही जैविक खेती अपनाने का आग्रह भी करते हैं। रमेश चंद्र महाजन के दो बेटे हैं, दोनों बेटों को शिक्षित किया और दोनों बेटे इंजीनियर है, एक दिल्ली दूसरा बेंगलोर में सर्विस करता है। कसरावत में 67 वर्षीय महाजन अकेले रहते हैं। सर्विस के बाद दोनों बेटों से बहुत आग्रह किया पिताजी के साथ रहने के लिए। रमेश महाजन अपने बेटों के साथ रहने के लिए बेंगलोर और दिल्ली भी गए, लेकिन बेंगलुरु में भाषा की समस्या और दिल्ली में प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने घर क्षेत्र कसरावत में आ गए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। ये जो हम खेत देख रहे थे, तो ये आपने पूरा जो है जैविक के ऊपर काम किया है? हाँ, जैविक तो, वो भी सिर्फ वेस्ट कंपोजर। बाजार में जो पेस्टिसाइड की कंपनियां थी वो आजकल जैविक बनाने लग गए और फिर किसानों से पैसे वसूल कर रही है। इसमें आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपके घर पे हर चीज मिलेगी। उसी से आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब कुछ बन जाएगा। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने इस तरफ काम करने के बारे में सोचा? मैं दिल्ली रहता था 2 साल से, तो वहाँ डॉक्टर कृष्णा जी से मुलाकात हुई राष्ट्रीय जैविक केंद्र गाजियाबाद में। उन्होंने मेरे को कहा, मैं 1 साल पहले आया था यहाँ कसरात के, जवान बच्चों को, अच्छे किसानों को कुछ दे के गया था। अच्छा। उन्होंने कुछ उपयोग किया, कुछ ने उपयोग नहीं किया, तो मैं फिर अब खुद आया हूँ। मैं खुद अपनी खेती संभाल रहा हूँ, उसमें पूरी तरह से जैविक वेस्ट कंपोजर के द्वारा ही कर रहा हूँ, कोई भी बाहर का जैविक पदार्थ नहीं ला रहा हूँ। तो आपको इसमें क्या लगता है, सफलता क्या दिखाई दे रही है, कि क्या इस तरह काम करते वक्त क्या परेशानियाँ आती है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती, सिवाय फसल बेहतरीन हो रही, जमीन खूबसूरत हो रही, केचुए हो गए। आपकी जमीन जितना पहले जो उत्पादन होता था उससे तो आज मेरा 1.25 उत्पादन हो रहा फर्स्ट ईयर में ही। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आदमी में जुनून हो तो सब कर सकता है, बस सब कर सकता, ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है बस, और सही मार्गदर्शन। और आज के जितने भी ये मार्गदर्शन दे रहे वो जैविक पेस्टिसाइड वाले जैविक बेच रहे बना बना के, और किसानों से पैसा ले रहे। किसानों को अपनी जेब से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपना पैसा अपने पास ही रखो और फसल अच्छी पैदा होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।